ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सुबह से ही सोशल मीडिया में आप एक मैसेज देख रहे होंगे कि उल्लास नगर कैंप क्रमांक 5 के सर्वानंद अस्पताल को प्रशासन द्वारा अब कोविड सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि यहां पर कोविड सेंटर बनाया जाएगा। ये इसके लिए हो रहा है कि शहर में जिस प्रकार से जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उनके चलते जो है जो उल्लास नगर कैंप क्रमांक 4 का कोविड सेंटर अस्पताल बनाया गया था वहां पर जो है मरीजों के उपचार के लिए बेड की जो है कमी हो चुकी है। वहीं पे जो है कुछ मरीजों को उल्लास नगर कैंप क्रमांक 3 के कामगर अस्पताल में भी जो है उपचार के लिए रखा गया है। और ऐसे में जो कि लगातार लोग मामले बढ़ते जा रहे हैं तो प्रशासन को जो है अब उपचार करने के लिए जगह जो है कम पड़ रही है, उसके साथ ही साथ क्वारंटाइन के लिए भी जो है जगह कम पड़ने लगी है, जिसके वजह से अब प्रशासन जो है इसके एहतियात में ये कोशिश कर रहा है कि शहर में अन्य अस्पतालों को जो है कोविड सेंटर बनाया जाए। अब जिस तरीके से सर्वन अस्पताल की बात करें तो सर्वन अस्पताल के जब कोविड सेंटर बनाने की बात सामने आई तो जो है इसका कड़ा विरोध जो है किया गया, व्यापारियों द्वारा भी जो है एसोसिएशन द्वारा जो है इसका विरोध किया गया, वहीं नागरिकों द्वारा भी इसका जो है विरोध किया जा रहा है। वहीं पर विरोध के चलते जो मैसेज वायरल हो रहे हैं वो ये किए जा रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोविड सेंटर बनता है तो यहाँ पर आसपास में रहने वाले नागरिकों को खतरा हो सकता है। तो हम जो है ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर कोविड सेंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो प्रशासन जो है तय करेगा कि किस तरीके से करना है, इस पर हम किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, ये कहना हम जरूर चाहेंगे कि किसी भी जगह पर कोविड सेंटर होने से कोविड की महामारी नहीं फैलती है। इसका उदाहरण आप उल्लास नगर कैंप क्रमांक 4 के जहां पर कोविड सेंटर है लेकिन ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है कि इस कोविड सेंटर के वजह से जो है आसपास में लोगों को संक्रमण हुआ हो, क्योंकि इन जगहों को पूरी तरीके से जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, आसपास में जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है ताकि वहां पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी ना हो, जिसके चलते किसी भी तरीके से जो है अस्पताल होने से कोरोना संक्रमण नहीं फैलता है। इसका उदाहरण आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आसपास में कैंप क्रमांक 4 के कोविड सेंटर में जो है कई रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी है, दुकानें भी है, लेकिन ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि अस्पताल होने से जो है कोरोना फैलता है। वहीं पे एक और जो है चिंता करने वाली बात यह है कि सर्वन अस्पताल के में जो कोविड बनाने की जो प्रक्रिया का प्रशासन द्वारा जो कि कोशिश की जा रही थी उसका विरोध ये भी किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में जो है लोग डायलिसिस के लिए यहाँ पर आते हैं, लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग उपचार के लिए इलाज के लिए आते हैं, तो उनका क्या होगा? ये सवाल जो है काफी गंभीर है, क्योंकि कोविड सेंटर बनाने से पहले जो है प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि सर्वन अस्पताल एक महत्वपूर्ण अस्पताल है। पूरे मुंबई परिसर में भी अगर देखा जाए तो सर्वन अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है कि यहाँ पर महीने में करीबन जो जानकारी हमें मिली है उसमें 10,000 से ज्यादा डायलिसिस जो है किए जाते हैं, जो कि पूरे मुंबई में भी कहीं नहीं किए जाते, यानी कि एक महत्वपूर्ण अस्पताल है लोगों के लिए। वहीं पे जो है यहाँ पर महीने तक में जो है लाखों की तादाद में मरीज जो है विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए यहाँ पर जो है आते हैं। वहीं पे 100 से अधिक डॉक्टरों की यहाँ पर टीम है जो कि विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए यहाँ पे मरीजों के लिए रहते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर चीज है कि इस अस्पताल को अगर कोविड सेंटर बनाया जाता है तो प्रशासन की ये नीति होनी चाहिए कि इस अस्पताल में जो इलाज के लिए लोग आते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई पराया होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो कि तादाद में मरीज यहाँ पे आते हैं तो ये कहीं ना कहीं नामुमकिन लगता है कि इतने कम समय में जो है इतनी सारी फैसिलिटीज को कहीं और में जो है शिफ्ट किया जा सके। तो ऐसे में जो है कड़ा विरोध भी लोगों का किया जा रहा है इस निर्णय को लेके। वहीं पे आप देखना यह है कि प्रशासन इन चीजों पर किस तरीके से जो है काम कर पाता है। लेकिन अगर ये चीज अगर आप सोशल मीडिया में अपने व्हाट्सएप में सुन रहे होंगे कि कोविड सेंटर होने से महामारी फैलती है तो ये जो है कतई गलत बात है, क्योंकि महामारी जो है सोशल डिस्टेंसिंग ना करने से होती है। क्योंकि अगर आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो आप जो है संक्रमित होंगे और उससे महामारी फैलती है। बाकी अस्पताल होने से किसी भी तरीके के संक्रमण के कोई भी मामले सामने नहीं है। वहीं पे सबसे बड़ी जो चिंता के विषय है, जो कि महत्वपूर्ण विषय है, कि अस्पताल अगर कोविड सेंटर बनाया जा रहा है तो उसके लिए जो है प्रशासन को कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि बड़ी तादाद में जो मरीज आते हैं तो उनके लिए किस तरीके से कोई उपाय किया जाए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।